उसे भी ये घोड़ा बेहद पसंद है। तेरे बराती जी को पसंद का क्या, पसंद तो उसे तू भी थी, मगर आज ये घोड़ा भी जमाल की चौखट पर बंधा हो। और तुम भी जमाल के जमाल से बच नहीं सके। एक बात बताएं तुम्हें, तेरे बराती जी को मैली चीजें बिल्कुल भी पसंद, यही फर्क है उसमें और मुझ में। तेरे ऊपर जो तेरे बराती जी का मैल चढ़ा है उससे हमें गुरेज नहीं, बल्कि जब तेरे ऊपर जमाल का रंग चढ़े तो तेरे बराती जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। घोड़ा और औरत दोनों से हाथ धो बैठा बेचारे। जब घोड़ा और औरत पैसे हो जाए ना तो अपने ऊपर हाथ रखने वाले को जमीन दोष कर देते हैं, और यही आदमियों की सबसे बड़ी भूल है, औरतों और जानवरों को बेजुबान समझते। तू ये भूल ना करे, मैं इस वास्ते बाबा जी से अरदास करूंगी। पर रही गल मैली होने दी, तो मुझ पे मेरे बराती जी का रंग चढ़ा है, गहरा रंग जो कभी भी नहीं उतर सकता। जमाल कोई रंगरेज नहीं जो भट्टी में डालकर औरतों की चुनियों पर रंग चढ़ाता। जमाल तो चमड़ी का माहिर है, चमड़ी। लेकिन अफसोस, हमारी बेगम ने गलत वक्त पर आकर हमारे इरादों पर पाबंदी लगाई। लेकिन इस पाबंदी को दूध का उबाल ही समझना। यूं चढ़ा और यूं फिर जमाल और तुम बहुत जल्द मिलने वाले। लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? हमारी जाने की तैयारी नहीं की तुमने अब तक? हकीम साहिब के पास जाना है अभी के अभी, इसी वक्त। चलो। हमें जरूरत है, बाजार से चमड़ा खरीद कर लाएं और उसे नरम करने के लिए ये हमारी मदद है। मुझे जरूरत है फिर दगा देने की फिराक में, और चमड़ी को नरम करने के लिए मर्दों के हाथ ही ज्यादा मजबूत रहेंगे। हम औरतों की चमड़ी भी इन्हीं हाथों की रविश की दीवानी है। और आप ही ने कहा था ना, इस लड़की को आपने यहाँ हमारी जरूरत के लिए रखा है, आपकी जरूरतों के लिए नहीं। चल लड़की, आ जा। और हाँ, आज से हमारी दवा शुरू हो जाएगी, दुआ कीजिएगा हमारी को जल्दी भर जाए। लगता है आजकल अल्लाह मियाँ हमारी दुआ कम सुन रहा है और आपकी ज्यादा। अब आप इसे लेके जाना ही चाहती हैं तो एक काम कीजिए, अपने साथ दो बंदे लेके जाइए। ये लड़की बहुत तेज, याद रखना देखो, अगर ये भागी तो हमारी चमड़ी किसी कालीन का पैबंद बनाने के काम आ जाएगी, जानते हैं। याद रख, जमाल पेशावरी तुम्हें कयामत से भी वापस छीन कर लेकर आएगा। आइंदा मेरे खाबिद के नजदीक दिखाई मत देना,
दीदी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। जुबान बड़ी तेज चलती है तेरी, मत भूल तू बांध ही है हमारी, हमसे रहम की उम्मीद मत कर तू, और जितना कहा जाता है उतना ही कर। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जी तुसी, लेके जाओ इसे। मैनू यहाँ पे रख के तुसी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, और वो दिन दूर नहीं है जब तुसी खुद मैनू मेरे बराती जी को छोड़ के आओगे, इसलिए कह रही पछतान तो पहला मैनू छोड़ दो। आइए जमाल साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बात कुछ पेचीदा हो गई है जनाब, तभी आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ ले आए। कहिए याकूब मिर्जा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? खिदमत नहीं जनाब, दरअसल हम तो आपका शुक्रिया अदा करने आए, उस लड़की को आपने हम तक पहुंचाया हमारी मदद की। जमाल साहब ये तो आपसदारी की बात है, आप उस लड़की को ढूंढ रहे थे और हम उस लड़के को, दोनों को मंजिल एक ही जगह पे मिल गई। वैसे हमारे कबीले में आज दावत है, आप इस दावत में शामिल होंगे, हमारी बेगम को दुआ देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय नसीब, हम जरूर आएंगे। वैसे उस शख्स का क्या हुआ जो उस लड़की के साथ, कहाँ है वो? वो जिंदा है या? अभी तक तो जिंदा है, पर बहुत जल्द फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि याकूब मिर्जा उसकी तकदीर अपने हाथों से लिख चुका है। आमीन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आसपास के किसी हजूबा में जिन बसा हुआ है, उसी जिन के साये ने तेरी बेगम की कोख को बांधा है। अल्लाह ताला से दुआ की है तेरी बेगम की कोख आजाद हो जाएगी। बिस्मिल्लाह अर्किका मिन कुल शाहिन यूदिका मिन शर्रख नाफसेन कुली नाफसेन। हाथ आगे कीजिए। आप भी इनकी गोद भराई की दुआ कीजिए। बाबा जी मैनू ताकत दो, मेरी मदद करना। बाबा जी आज मैनू यहां से निकलना है, मेरे को ले ही मौका आएगा। इसे आग के सुपुर्द कर दो, खत्म कर दो, इसे जला दो। वाह वाह क्या बात है, जमाल पेशावरी की अल्लाह ताला दुआ कबूल करे। आमीन। भर दे इनकी झोली, भर दे।
हमें यकीन है कि अगर वो हमारे सामने आ गई तो हम उसे जरूर पहचान लेंगे। या खुदा, उस शख्स की मोहब्बत को हमारे सामने ले। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। भाई आपने हमारे गरीब खाने में आके नजरे इनायत की, बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है जमाल साहब, बस आपसे माफी चाहेंगे। किस चीज के लिए? हम बिना इजाजत हमारी बहन को अपने साथ ले आए। अरे कैसी बातें करते हैं जनाब, ये कबीला आपका है, हम तो मामूली से कारिंदे हैं। आइए तशरीफ रखिए। माफी जी, जैसे आप अपने जुबा में नुक्ते डालते हैं वैसे ही रब ने मेरी लाजों के चेहरे पर तंदोले डाले यहाँ आंखों के पास। ये मेरी लाज। सुनिए, लाजो उसकी आंखों के पास तंदोले थे, बिल्कुल वैसे ही। जाओ सर, किससे बात कर रही थी? हाँ? कौन थी वो लड़की? नहीं कुछ। कहीं वो लाजो तो नहीं थी? इतना आसान नहीं है जमाल के शिकंजे से आजादी पाना। तुम्हें क्या लगा था कि हम दावत में इतने मशरूफ हो जाएंगे कि हमारी नजरें तुमसे हट जाएंगी? जमाल पेशावरी उड़ती हुई चिड़ियों के पंख गिनकर यह बता सकता है कि वो दाएं मुड़ेंगी या बाएं। छोड़ दे मेनू शैतान, मेनू जान दे। ये तड़प, जब तुम तड़पती हो ना तो बहुत अच्छा लगता है हमें। ऐसे कैसे छोड़ दे तुम्हें, अभी तो शुरुआत भी नहीं है। कुछ देर बाद ही रहोगी तो तुम्हारी तड़प भी ठंडी हो जाए। बचाओ! भाई
भाईजान, आपने सुना? आपने उसकी चीख सुनी भाईजान? कौन कौन लाजो को सर? आखिर हो क्या गया आपको? उसी की चीख गूंजी इस कबीले में, वो यही है। को सर आप भूल रही हैं, हम यहाँ जमाल साहब के मेहमान बनकर आए हैं और आप हमारे मेजबान पर तोहमत लगा रही हैं। आपके मेजबान ने यहाँ एक हिंदू लड़की को छुपा रखा है और ये मेरे मुल्क के कानून के खिलाफ है। बिना जाने कुछ भी बकवास किए जा रही हैं आप। सही कहा, हो सकता है कि मैंने कुछ ना देखा हो, लेकिन भाईजान मेरा दिल कह रहा है कि मैं सही हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं अपने पूरे होशोहवास में हूँ, मैं सही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। मैं जानती हूँ वो लड़की कौन है। कौशल, तुम्हारी ये चीख अजीब सी बेकरारी पैदा कर रही है फरीदा। तुम्हारा ये सिसक, वल्लाह क्या बात है। तुम्हारी ये आंखें जिनमें खून भरा, जिगर चाक कर रही है मेरा। सुनिए, यहां कोई हिंदू लड़की है क्या? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। हिंदू लड़की इस कबीले में है क्या? नहीं, हमें नहीं देखा। सुनिए, यहाँ कोई हिंदू लड़की है क्या? उसका नाम लाजो है। नहीं बीवी, हमने भी नहीं देखी कोई हिंदू लड़की। देखिए, अगर वो यहाँ पर है तो बता दीजिए, डरिए मत। मैंने अभी अभी एक लड़की को देखा, उसकी आंखों के पास तंदोले हैं। कहाँ गई वो? आप पर अल्लाह ताला मेहरबान रहे। मगर आप हमारे कबीले की हदें पार कर रहे हैं। जवाब साहब, ये हमारी बहन कौसर है। ओ, ये तो घर की बात निकली, हमें नहीं पता था। देखिए बीबी, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। यहाँ कोई हिंदू लड़की नहीं। आप झूठ कह रहे हैं। हम आपके कबीले की तलाशी लेना चाहेंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये मत भूलिए कि इस वक्त हम जमाल साहब के इलाके में और उन्होंने हमें बतौर मेहमान बुलाया है, इसलिए ऐसी किसी गुस्ताखी की गुंजाइश नहीं जिससे इनकी बेइज्जती हो। जमाल साहब, अपनी बहन की बदशाहरी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं याकूब, ये तो आप है, आपकी बहन, वरना किसी की हिम्मत नहीं है जो जमाल पेशावरी के कबीले में आकर उसकी तलाशी ले सके। वैसे आपसे एक इल्तिजा है, आपसे हमारे काफी अच्छे ताल्लुकात, आप हमारे काफी अजीज हैं, इसलिए आपसे एक गुजारिश करना चाहें, इसी वक्त अपनी बहन को यहां से लेके चली जाए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस दावत में हमारी बेगम को कोई भी सदमा पहुंचे। कहा साहब, मैं बेहतर समझता हूँ, हमने आपकी जश्न दावत में खलल डाला, इसके लिए माफी। चलिए कहा सर, हम कल फिर आएंगे। इस मुल्क के अफसरों के साथ आपके कबीले की तलाशी है। इंतजार कीजिए,
क्योंकि आप ये जो कर रहे हैं ना जनाब, ये गैर कानूनी। इस वक्त सारी दुनिया की नजरें हम पे टिकी हुई और हमारे मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं आप जैसे लोग। चलिए